तो गाइजर आज मैं चाह रहा हूँ अपने लिए एक नई बाइक खरीदने। और गाइजर अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है घूमने फिरने के लिए, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर बाइक खरीदने। और अब यहाँ पर आ चुके हैं थैंक यू टैक्सी वाले भैया मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए। और गाइजर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं बाइक सेल पर, यहाँ पे ये सारी की सारी बाइक बिक रही है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अंकल मुझे ये सारी बाइक चाहिए। अंकल मेरे पास बहुत पैसा है, आपकी सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? आपकी सबसे महंगी बाइक कौन सी है मुझे बताओ। डार्लिंग मेरी बात सुनो। डार्लिंग? अबे और डार्लिंग किसको बोल रहा है? अरे डार्लिंग मैं तुम्हें ही डार्लिंग बोल रहा हूँ। हमारी सबसे महंगी बाइक है लॉन्गेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे लंबी बाइक है, ये उड़ती है, तैरती है, कभी कभी मिसाइल लॉन्च करती है और बहुत तेज चलती है। क्या दुनिया की सबसे लंबी बाइक? अरे कैसा, ये तो सही में दुनिया की सबसे लंबी बाइक है। ये देखो यहाँ पर नॉर्मल बाइक से, पर ये वाली बाइक बहुत ही ज्यादा लंबी है। रुको मुझे एक बार इसको चला के देखना है। इसको चलाएंगे कहाँ से मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ से चलाना है क्या? गाइस लगता है इसको चलाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अरे अंकल मुझे ये बाइक कितने में दोगे? डार्लिंग आज बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि दिवाली अभी आई है, इसलिए ओनली $1 million। क्या $1 million? ये तो बहुत महंगी है। अच्छा ये तो ऑफर वाला प्राइस है, पर नॉर्मल प्राइस क्या होता है? नॉर्मल प्राइस होता है $10 lakh। $10 lakh मतलब? अरे वो तो 1 million में ना, तो इसमें ऑफर क्या है? कुछ ऑफर नहीं है डार्लिंग, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अरे अंकल ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है, 1 million की बाइक मैं नहीं खरीद सकता, उससे कोई सस्ती बाइक बताओ। तुम्हारा बजट क्या है मेरी डार्लिंग? अरे एक तो डार्लिंग मार्लिंग मत बोलो, और मेरा बजट है पूरे के पूरे $15। थैंक यू। अबे काले लड़के निकल जाए, ऐसे $15 में तुझे बाइक चाहिए? अरे क्या हो गया, अभी तो डार्लिंग करके बात कर रहा था। डार्लिंग माय फुट, $15 में तुम्हें बाइक चाहिए? निकल जाओ यहां से, $15 में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे अंकल ऐसा मत करो, मैंने गुल्लक में पैसे बचा के रखे थे पूरे $15। अंकल प्लीज मुझे कोई बाइक दे दो। एक काम करो, ये वाली बाइक दे दो, ये तो $15 की होगी ना? नहीं, ये बाइक पूरे के पूरे $100 की है, 15 की नहीं। क्या $100 की? ये तो बाइक भी नहीं लग रही। अरे अंकल प्लीज दे दो। नहीं मैं तुम्हें नहीं देने वाला, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल कुछ तो दे दो, मेरे पास सिर्फ $15 ही है, मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें $15 में अपना हिरन दे सकता हूँ, ये तुम हिरन ले सकते हो $15 में। क्या $15 में? ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं है, पर मैं ये हिरन जरूर खरीद सकता हूँ। ये लो अंकल $15। ओके आज से हिरन तुम्हारा हुआ। थैंक यू अंकल। तो गाइस सर अभी इस हिरन के ऊपर बैठ चुके हूँ, लगता है मैं थोड़ा सा गलत बैठा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, पर कोई बात नहीं गाइस सर, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। $15 में हमने ये खतरनाक सा हिरन खरीद लिया है। पर गाइस सर मुझे हिरन नहीं चाहिए, मुझे ये सारी की सारी बाइक्स खरीदनी है, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो गाइस सर आज की वीडियो में इतना सारा पैसा जमा करेंगे कि हम ये सारी की सारी बाइक खरीद पाए और वो दुनिया की लॉन्गेस्ट बाइक को मिला के, जो कि है $1 million की। पर सबसे पहले बाइक खरीदने के लिए हमें चाहिए $100। तो फटाफट चलते हैं $100 कमाते हैं ताकि हम खरीद पाए अपनी सबसे पहली बाइक। अरे हिरन भाई आराम से। अरे मुझे तो चक्कर आने लगे। तो गाइस सर मैंने सोच लिया कि मैं $100 कैसे कमाने वाला हूँ। आपको याद है कि मुझे मिला था एक डियर, उस हिरन की मदद से मैं कमाने वाला हूँ पैसे। इस देखो हिरन को मैंने डांस करना सिखा दिया और ये बहुत ही बढ़िया डांस करता है। इस डांस को देख के लोग देने वाले मुझे बहुत सारे पैसे। बहुत बढ़िया मेरे हिरन, डांस करता रहे, क्या बढ़िया डांस कर रहा है। ऐसे डांस करेगा तो मैं जल्दी से वो 1 million वाली बाइक भी खरीद पाऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे वाह 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 क्या डांस है। अरे मेरा तो बेटा भी ऐसा डांस नहीं कर पाता, ये हिरन कर पा रहा है। बहुत बढ़िया बच्चे, ये लो बच्चे पैसा रख, मजे कर, बहुत बढ़िया डांस कर रहा है। तो कहे सर मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे पैसे जमा होने शुरू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया मेरे हिरन डांस करता रहे। मम्मी देखो ये हिरन डांस कर रहा है, कितना अच्छा डांस कर रहा है ये। वाओ ये हिरन तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है। तो गाइजर धीरे धीरे हमारे पैसे बढ़ते ही जा रहे। अभी मेरे पास $40 हो चुके, अभी हमें $60 और चाहिए फिर हम अपनी पहली बाइक खरीद पाएंगे। बहुत बढ़िया मेरे हिरन डांस करता रहे। अरे वाह ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये हिरन तो डांस कर रहा है बहुत बढ़िया। अरे कैसे लगता है कोई अमीर आदमी आ गया, ये तो पक्का बहुत सारे पैसे देने वाला है। सर देखिए ये है मेरा हिरन और ये डांस करता है, कितनी अच्छी बात है, थोड़े पैसे दान दे तो मजा आ जाएगा। मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, पर मुझे हिरन को नहीं, मुझे तुम्हें डांस करते हुए देखना है। चलो शुरू हो जाओ।
क्या मैं डांस करूँ? अरे मैं डांस नहीं करता, ये हिरन करता है। पैसे चाहिए तो डांस तो करना पड़ेगा, जल्दी शुरू करो। ओके चलो करना ही पड़ेगा। ये मैं करूँगा डांस, आप करोगे लाइक, सब करेंगे सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। अरे बच्चे बहुत बढ़िया डांस किया, ये ले बच्चे मजे कर, चल मैं चलता हूँ, वापस डांस देखना होगा तो बुला लूंगा, बाय बाय। तो गाइस जरा भी आप देख सकते हो मैं कितने सारे पैसे मिल चुके हैं, और ये तो $100 से बहुत ही ज्यादा है। चलो फटाफट इनको लेके चलते और अपनी सबसे पहली बाइक खरीदते हैं। चल मेरे हिरन, तेरी वजह से मुझे इतने सारे पैसे मिल गए। तो गाइस हिरन की वजह से मैं बहुत सारे पैसे कमा लिए और हम अपनी नई नई बाइक भी खरीद पाएंगे, सबसे पहली बाइक। अंकल अंकल मैं आ गया। मेरे डार्लिंग तुम आ गए। अरे अंकल कितनी बार बोला डार्लिंग वार्लिंग मत बुलाया करो, मैं आपका डार्लिंग नहीं हूँ। ये लो $100 और ये खतरनाक सी बाइक मुझे दे दो। ओके डार्लिंग आज से बाइक तुम्हारी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस हमने अपनी सबसे पहली बाइक खरीद ली और आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कैसे गोल 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 घूम जा रही है। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे ये बाइक नहीं बोल सकते कि बाइक में सिर्फ दो टायर होते हैं, इसमें चार टायर है। अगर इन चार छोटे छोटे टायर को मिला तो दो टायर बन जाएंगे। तो गाइस हमने ये वाली बाइक तो खरीद ली, अब इसके बाद देखते हैं कौन सी बाइक हम खरीद सकते हैं और वो कितने की है। अरे ये कौन सी बाइक है? ये तो होंडा की CBR है। मेरे डार्लिंग ये है होंडा CBR 1000। अगर तुम इसको खरीदना है तो तुम्हें चाहिए होंगे $1000। तो गाइस अगली बाइक है होंडा की CBR और इसको खरीदने के लिए हमें $1000 चाहिए। तो गाइस मैं फटाफट से जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे कमाने $1000 और मैं उनको कमा के रहूंगा ताकि मैं खरीद पाऊँ $1000 वाली बाइक। तो फटाफट से चलते हैं और कमाते हैं $1000। तो गाइस ये पैसा वैसा कमाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, इसलिए अगर आप मेरी मदद कर सकते हो पैसा कमाने के लिए तो फटाफट से कमेंट कर दो। आप मुझे पैसा दान दे सकते हो, जितना ज्यादा पैसा आप कमेंट करोगे उतना ज्यादा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मुझे 1 मिलियन वाली बाइक खरीदने के लिए $1,00,000 चाहिए। तो अगर आप कमेंट करोगे $1,00,000 तो मेरे बैंक अकाउंट में $1,00,000 हो जाएंगे। तो फटाफट से बहुत सारे पैसे कमेंट कर दो मैं ताकि सारी की सारी बाइक खरीद पाऊँ, जिससे जितना भी हो सके फटाफट से कमेंट कर दो और हम चलते $1000 कमाने। जब तक आप कमेंट कर दो, जैसे आप कमेंट करोगे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इसलिए जल्दी से कमेंट कर दो। तो गाइस अगली बाइक खरीदने के लिए मुझे चाहिए $1000, इसलिए पहले मैंने सोचा था कि बैंक लूटूं, पर बैंक लूटने में यार बहुत सारी चीजें मुझे चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं वेपन्स खरीद पाऊं, बम खरीद पाऊं, इसलिए मैं ये छोटे छोटे ATM लूटने वाला हूं और ये बहुत ही ज्यादा इजी होते लूटना। चलो गाइस फटाफट इस खतरनाक से ATM को लूट लेते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस में जाके हम इसको करने वाले हैक। चलो चलो फटाफट से कर लेते हैं। और गाइस यहां पे हमने पासवर्ड गैस करना है और अगर हमने कर दिया तो गाइस सारा का सारा ATM हम लूटने वाले। ATM में इतने पैसे तो नहीं होते, पर देखते हैं इस ATM में से हमें कितना माल मिलने वाला है। और गाइस आप देख सकते हो हमने इसका पासवर्ड कर दिया है, वाइस सिटी इसका पासवर्ड था, और इसको फटाफट से खोल देते हैं। और गाइस मुझे मिल चुके हैं $500। तो गाइस मुझे $1000 टोटल जीते, उसमें से 500 मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। मतलब अगर एक और ATM में रॉब करूं तो मुझे आराम से $1000 मिल जाएंगे। और ये क्या, ये सामने पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? मेरी पूरी की पूरी बाइक ही पलट गई। और गाइस ये इतने सारे पुलिस वाले आ चुके हैं। अरे सिर्फ एक ATM लूटने में इतने सारे पुलिस वाले, इतना तो पैसा भी नहीं मिला। अगर इन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तो बेल करवाने में $500 से ज्यादा लग जाएंगे जो कि हमने इस ATM से चुराए। अरे यार मुझे कहीं से निकलना पड़ेगा, कहीं छोटी सी गली में से निकलते ताकि ये पुलिस वाले मुझे पकड़ ना पाए। अरे ये तो हर जगह पर आ रहे, जल्दी से जल्दी मुझे एस्केप करवाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो पुलिस वालों? अरे गाइस मुझे लगता है ये पुलिस एस्केप करवाने वाला बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो फटाफट से लिख दो कमेंट में पुलिस जाओ यहाँ से, पुलिस गो। फटाफट से कमेंट कर दो पुलिस गो, ताकि सबके सब यहाँ से चले जाए मुझे छोड़ के। चलो फटाफट से एस्केप करवाते हैं, ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एक काम करते हैं पानी के अंदर चलते हैं, पानी के अंदर ये मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो 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 फटाफट से चलते हैं पानी के अंदर, ये पुलिस वाले मुझे हमें पक्का नहीं देख पाएंगे। बाय बाय पुलिस वालों। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर पानी के अंदर रहने वाला हूं ताकि पुलिस मेरे से एस्केप हो जाए, फिर हम चाहेंगे अपनी अगली बाइक खरीदेंगे। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूं अगला ATM रॉब करने, क्योंकि गाइस पुलिस वालों से मैंने पीछा छुड़वा लिया है और हम आ चुके फटाफट से अपना अगला ATM रॉब करते हैं। जल्दी से जाएंगे माय कंप्यूटर में, फटाफट से इसको हैक करते हैं। और गाइस हमारे पास $500
ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर इस एटीएम से 500 और मिलते तो अगली बाइक अपनी खरीद सकते, तो फटाफट से चलते रहो, देखते इसका पासवर्ड क्या। THNKR, ये कौन सी भाषा है? THNKROOT, पता नहीं कौन सी भाषा, कुछ बात नहीं। हमको यहाँ पर मिलते हैं $500। तो कैसर मुझे यहाँ पर $500 मिल चुके हैं। फटाफट से कमेंट करके बताओ 500 और 500 कितने होते हैं? वो होते हैं 1000। तो कैसर में 1000 मिल चुके हैं। चलो फटाफट से चलते अपनी अगली बाइक खरीदते हैं। और हाँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है, इसलिए मैं ऐसे नंगे पैर भागे जा रहा हूँ। मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। सामने पुलिस वाले आ गए, इसलिए मुझे उनको एस्केप करवाने के लिए ऐसे भागना पड़ रहा है। सारे घरों की छतें कूद कूद के जाने वालों में, और अंकल क्या हाल है? चुनो यार फटाफट से भागते हैं, पुलिस एस्केप करवाते हैं, फिर हम जाने वाले अपनी बाइक खरीदने। तो गाइस सर, वापस हम आ चुके हैं हमारे अंकल के पास। अंकल क्या हाल है? आओ मेरे डार्लिंग आओ। अरे अंकल, एक तो डार्लिंग वार्लिंग मत बुलाया करो यार, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। ये लो आपके $1000 और ये खतरनाक सी होंडा CBR 1000 हो चुकी है मेरी। तो गाइस सर, अभी अंकल को हमने दे दिए $1000, उसके बाद ये खतरनाक सी होंडा CBR 1000 हमारी हो चुकी है। ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और गाइस सर इसके बाद वाली बाइक बहुत ज्यादा खतरनाक सी लग रही, कोई माउंटेन बाइक लग रही है, जो कि होने वाली है $10,000 की। तो गाइस सर फटाफट से चलते हैं, कमाते हैं $10,000 ताकि हम खरीद पाए अपनी अगली गाड़ी, जो कि होने वाली है एक माउंटेन बाइक। तो गाइस सर अभी मैं घुसने वाला हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और ये रास्ता सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर हम यहाँ से अंदर घुसने वाले हैं। और हम अंदर आ गए, क्या ही खतरनाक सी लैंडिंग करी है। तो गाइस सर हमें अपनी होंडा CBR 1000 तो मिल चुकी है, पर अगली गाड़ी खरीदने के लिए हमें चाहिए $10,000, और उसके लिए हम करने वाले इस प्लेन में चोरी। तो गाइस फटाफट से, तो गाइस ये प्लेन उड़ना चालू हो चुका है, इसके उड़ने से पहले मुझे इसमें चोरी करनी पड़ेगी। इस प्लेन की ट्रंक के अंदर मुझे जाना, जो पीछे का गेट होता है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो फटाफट से अपनी बाइक को भगाते ताकि हम इसके अंदर जा पाए। तो गाइस अभी हम इस प्लेन के अंदर घुसने वाले हैं, चलो फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। और अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, और गाइस ये प्लेन उड़ रहा है हवा में। चलो फटाफट से सबका सब लूटना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कितना सारा गोल्ड पड़ा है, और इसको हम लूट के बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। चलो 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 जल्दी जल्दी लूटते हैं इसको। तो गाइस आप देखते हैं कितना सारा गोल्ड है, मुझे सिर्फ $10,000 चाहिए थे, और मुझे लगता है यहाँ पर मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। हम आराम से अपनी अगली और उसकी अगली बाइक भी खरीद ही लेंगे। चलो गाइस फटाफट सबका सब डाल लेते हैं अपने बैग में, जल्दी आ जा, सारा का सारा गोल्ड मैं लूटने वाला हूँ, एक भी नहीं छोड़ने वाला। तो गाइस हमने ये सारा का सारा गोल्ड लूट लिया है। तो गाइस गोल्ड तो हमने लूट लिया है, फटाफट से यहाँ पे लगाने वाले बॉम्ब, और इस प्लेन से हम बाहर निकलने वाले। 3, 2, 1 बूम। और गाइस हम निकल चुके हैं, हवा से नीचे गिर रहे, हमारा प्लेन ऊपर रह चुका है, हमने उसको पूरा का पूरा ब्लास्ट कर दिया है, और मैं जा रहा हूँ फुल स्पीड में नीचे, मुझे मरना नहीं है, आराम से जल्दी से पैराशूट खोल लेते हैं। और गाइस क्या ही तगड़ा पैराशूट हमारा खुल चुका है। तो गाइस उससे पहले कि पुलिस आए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि मैं अपनी अगली बाइक खरीद पाऊँ। जल्दी जल्दी भागते यहाँ से, मुझे कुछ गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। अरे मुझे पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए था, ये प्लेन पता नहीं कहाँ पर था, मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया। जल्दी यहाँ से निकलते हैं उससे पहले कि पुलिस आए। चलो गाइस अभी हमें बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं, और सामने से ट्रेन जा रही है। रुक जाओ, मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। तो इस ट्रेन में मैं चढ़ने वाला हूँ ताकि यार हम जल्दी से पहुंच पाए लॉस सैंटोस, और खरीद पाए अपनी अगली बाइक। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम खरीदने वाले एक ही बारी में दो दो बाइक। और ये ट्रेन अभी मुझे उड़ाने वाली है। 3, 2, 1 तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे वापस से अंकल के पास। अंकल कैसे हो? पहले मेरी बात सुन लो, डार्लिंग वार्लिंग मत बोलना, मेरा नाम वरुण है, और ये लो आपके सारे के सारे पैसे। अरे डार्लिंग, ये क्या, तुमने तो मुझे $1,00,000 दे दिए। हाँ, $1,00,000, क्योंकि मैं ये 10,000 वाली नहीं खरीदने वाला, मैं सीधा 1,00,000 वाली खरीदने वाला हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमें ये खतरनाक सी हायाबूसा मिलने वाली है, जो कि है पूरे के पूरे $1,00,000 की। और गाइस ये बाइक सही में बहुत ही खतरनाक है। हायाबूसा यार दुनिया की सबसे खतरनाक बाइक है, बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, बहुत ही मस्त आवाज करती है, और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो आपकी सबसे फेवरेट
फेवरेट बाइक कौन सी है? मेरी फेवरेट तो हायाबुसा है, आपकी कौन सी है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। तो गाइज़र ये हायाबुसा सही में बहुत ही खतरनाक है, पर गाइज़र वो जो 1 मिलियन वाली बाइक है जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाइक है, वो सबसे 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 ज्यादा खतरनाक है और उसको खरीदने के लिए हमें 1 मिलियन डॉलर चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। पर गाइज़र अभी ये 10,000 वाली भी मिल गई तो आप देख सकते हो ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसको भी हम चला सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मस्त ये गाड़ी हमें यहाँ पर मिल चुकी है BMW की। ये है माउंटेन बाइक, तो इसको हम लेके जाने वाले हैं माउंटेन पे, थोड़ा सा इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये सही में माउंटेन बाइक है। उसके बाद हम कमाएंगे 1 मिलियन डॉलर्स ताकि हम खरीद पाए दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाइक जो कि इन अंकल दे रहे 1 मिलियन डॉलर्स में। चलो फटाफट जाते हैं माउंटेन्स पर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि माउंटेन बिल्कुल सीधा सीधा है, मतलब सीधा सीधा हमें जाते जाना है और हम ऊपर पहुंचेंगे। बिल्कुल 90 डिग्री वाले माउंटेन पर हम इस बाइक को चला रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली चल रही है और इधर मैं व्हीली भी कर सकता हूँ। देखो माउंटेन पर व्हीली कर रहा हूँ, कितनी ज्यादा खतरनाक है। क्या आपने कभी करी माउंटेन पर व्हीली? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने भी करी होगी, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। देख सकते हो भाई माउंटेन पर व्हीली कौन करता है। चलो गाइस फटाफट से इसको माउंटेन पर चढ़ा के रहेंगे, मैं नहीं रुकने वाला जब तक ये माउंटेन पर नहीं चढ़ जाती। सोचो यार ये इतनी खतरनाक है, तो यार वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट बाइक कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है जो कि 1 मिलियन डॉलर्स की। और जब तक यार थोड़ा सा प्लान भी बना रहे थे कि हम 1 मिलियन डॉलर कहां से चुराने वाले, जी मुझे तो नहीं पता कहां से चुराने वाले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। पर अभी फिलहाल तो हम चाह रहे हैं माउंट चिलियर्ड के ऊपर आराम से अपनी बाइक को लेते हुए कितनी ज्यादा स्मूथली चल रही है। तो गाइस जितनी स्मूथली बाइक चल रही है उतनी स्मूथली अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिलने वाले 1 मिलियन डॉलर्स। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने से 1 मिलियन नहीं मिलने वाले, पर आपको जरूर मिल सकते। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मिले 1 मिलियन डॉलर्स और अपनी बाइक को लेके हम वापस से नीचे आ चुके हैं। ये बाइक माउंटेन्स पर तो बहुत अच्छी चलती है, क्या ये रिवर में चलती है? वो भी अभी हम देखने वाले हैं। और ये नहीं चलती, ये वाली तो पानी में नहीं चलती, पर जो हम 1 मिलियन वाली खरीदेंगे वो पानी हवा आग हर जगह चलने वाली, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फटाफट चलते 1 मिलियन डॉलर्स कमाते हैं। तो गाइस अभी मैं अपनी हायाबुसा वापस से लेके आ चुका हूँ क्योंकि हम करने वाले लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बैंक में चोरी। जी हाँ, हम करने वाले पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक में चोरी और यहाँ पर हम आ चुके हैं। चलो गाइस फटाफट इस बैंक में घुसते, सबसे पहले मारेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स को। मुझे चाहिए 1 मिलियन डॉलर्स और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस ये वाले बैंक में रॉबरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि गाइस इन बैंक वालों ने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और मुझे पता चला इनके पास बहुत सारा गोल्ड और कैश भी आ चुका है। तो इसलिए गाइस अभी हम आ चुके हैं इस बैंक में, देखते हैं इनके पास कितना पैसा है। क्या इतना पैसा है क्या हमें? क्या इनके पास 1 मिलियन डॉलर्स होंगे ताकि हम खरीद पाए अपनी अगली खतरनाक सी बाइक? मुझे लगता है एक बैंक के पास 1 मिलियन तो होने चाहिए, पर इनके पास और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो फटाफट से इस गेट को खोलते हैं, 3, 2, 1 बूम, और गाइस ये खुल चुका है। चलो फटाफट से चलते हैं अंदर। हमें इधर कंट्रोल पैनल को हैक करना पड़ेगा ताकि हम इस बड़े से गेट को खोल पाए, क्योंकि यार ये लोग यार गेट खोलते नहीं, इनको खुद को नहीं पता कैसे खोलते हैं। यहाँ का जो ओनर होता है ना सिर्फ वो गेट खोल सकता है, पर आज इस बैंक के ओनर हम बनने वाले हैं और इस गेट को खोलने वाले हैं। चलो फटाफट से करते हैं 3, 2, 1, और ये बहुत ही ज्यादा इजी इसको हम हैक कर सकते हैं और ये हो गया। तो गाइस इसको हमने हैक कर दिया और हमारा गेट यहाँ पर खुल चुका है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, आखिरी अपना बॉम्ब लगाते हैं, फिर हमें मिलने वाला है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, 3, 2, 1, और ये बूम। अरे गाइस ये क्या, इतने सारे सिक्योरिटी वाले यहाँ पर ये कर रहे हैं? अरे ये कोई जगह तुम्हारी खड़े होने की, हट जाओ। अरे गाइस यहाँ पे कितने सारे सिक्योरिटी वाले थे, पर मैंने इन सबको आराम से मार दिया है और हम आ चुके हैं अपना सारा का सारा सोना लूटने। तो गाइस आप देख सकते हैं हमें कितना सारा गोल्ड है, हम इसको लूटने वाले हैं। जल्दी जल्दी लूटते हैं सारा का सारा गोल्ड हम लेके जाने वाले। अभी हमारे पास हो चुके हैं $1,00,000, अभी हमें चाहिए $9,00,000। और गाइस आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ इतना सा गोल्ड नहीं, यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, आप टेंशन मत लो, इतना सारा गोल्ड आपने कभी नहीं देखा होगा। चलो फटाफट इसको उठाते हैं, फिर देखते हैं हमें कितना मिलने वाला है। $2,00,000 हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, देखते हैं हमें लास्ट में कितने मिलने वाले, क्या हम 1 मिलियन तक पहुंच पाएंगे। ये बैंक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मुझे इधर के सीक्रेट भी बहुत ज्यादा पता है। यहाँ पे हमें $3,00,000 हो चुके हैं और अभी भी ये $4,00,000 भी होने वाले हैं बस, और ये $4,00,000 हमारे पास हो चुके हैं। तो कहा सर हमारे पास $4,00,000 हो चुके हैं, मतलब हमारे पास 4
$7.5 लाख हो चुके हैं, पर अभी भी हमें 5.5 लाख और चाहिए। और यहाँ पे एक सीक्रेट गेट है जहाँ पर है बहुत सारा पैसा। तो गाइज़ अभी हम उस सीक्रेट लोकेशन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हो इस बैंक के अंदर एक और बैंक बना हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो फटाफट से इनका की कार्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सीक्रेट लोकेशन है और अभी हम यहाँ पर घुस चुके हैं और देखते हैं इनके पास हमें कितना पैसा मिलने वाला है। फटाफट से सिक्योरिटी की कार्ड लगा दे ताकि ये गेट खुल जाए। ये गेट आप देख सकते हो पूरा का पूरा वाइब्रेनियम से बना हुआ है ताकि इसको कोई तोड़ ना पाए, इसलिए मैं इसको बॉम्ब ब्लास्ट करके तोड़ नहीं सकता था, पर हम यहाँ पे अंदर घुस चुके। चलो गाइस फटाफट से इसको भी डालते हैं अपने अंदर, सारा सारा भर रहे थे, देखते हैं हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक मजा आने वाला है। $1 लाख हमें मिल चुके और अंदर अभी भी बहुत सारा गोल्ड पड़ा है, फटाफट से ले लेते हैं। तो गाइस ये सारा का सारा गोल्ड जमा करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने होने वाले हैं। अभी तो मेरे पास $2.4 लाख हो चुके हैं और हमें चाहिए थे 5.5 माइनस 2.4, अभी भी हमें यार $3 लाख और चाहिए। देखते हैं क्या हमें $3 लाख इस गोल्ड से मिल पाएंगे। अगर नहीं मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और सीक्रेट एंट्रेंस है, वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो अभी हमारे पास हो चुके हैं $4 लाख, अभी भी हमें $1.5 लाख और चाहिए। उसके लिए हम एक और सीक्रेट लोकेशन पर जाने वाले हैं और वो सीक्रेट रास्ता जाता है इधर से। तो गाइस अभी आप देख सकते हो वापस इस सीक्रेट जगह पर आ चुके हैं, ये और भी ज्यादा सीक्रेट है। जल्दी जल्दी बाहर निकालो, मुझे ये लॉकर खोल के दो। तो गाइस यहाँ का लॉक और भी ज्यादा खतरनाक है, तो उसको खोलने के लिए इनको बाहर बुलाना पड़ेगा। अरे जल्दी बाहर आओ यार, मुझे जाना है यहाँ से। तो गाइस इस रॉबरी के बाहर बहुत ही ज्यादा पुलिस मेरे पीछे पड़ने वाली है, तो मैं बिल्कुल ढंग से देखना पड़ेगा। जल्दी बाहर आ, पर मेरे पास हायाबुसा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हायाबुसा बहुत ही ज्यादा फास्ट चलती है। अंकल जल्दी खोल दो वरना आपके खोपड़ी खोल दूंगा मैं। और गाइस हमारा एक गेट खुलने वाला है और ये खुल जा सिम सिम। तो गाइस हमारा गेट यहाँ पर खुल चुका है। अंकल अंकल चलो चलो ये वाला गेट भी खोल दो, और अंदर कितना सारा कैश मुझे दिखाई दे रहा है। अंकल क्या ले लो। चलो गाइस अंकल को हमने मार दिया, फटाफट से सारा का सारा कैश लूटना शुरू करते हैं। फटाफट से सारा का सारा कैश अपने बैग में डालते हैं। हमें चाहिए $1.5 लाख, हमें लगता है मुझे लगता है वो आराम से मिल जाएंगे। और ये $1 लाख हो गए, $1,20,000, $1,30,000 और ये $1,50,000 डन, उससे भी ज्यादा पड़े। अब ज्यादा पड़े तो छोड़ना क्यों यार, सारा का सारा लूट के चलेंगे। $2.5 लाख और ये दिया $3 लाख हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो गाइस हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, फटाफट से बैंक से निकलते। हमें मिल चुके हैं $1 मिलियन, थोड़े उससे ज्यादा ही मिल गए, पर कोई बात नहीं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम बिल्कुल तैयार है इस बैंक से निकलने के लिए, और बैंक से निकलते बहुत सारी पुलिस हमारे पीछे आने वाली है, पर हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और ये क्या, यहाँ पर तो पुलिस है ही नहीं। आगे आगे, अरे भागो 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 भागो, सामने से पुलिस की पूरी गाड़ियां भर भर के आ रही है और ये सारे बैंक के बच्चे ही भागने लगे। और गाइस ऊपर आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले उतर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे ये क्या, सामने पुलिस, अरे मुझे ठोक कर रहे हो। अरे गाइस मुझे अपने हायाबुसा को पुलिस में भगाना पड़ेगा ताकि मैं इन पुलिस वालों से एस्केप करवा पाऊं। मुझे लगता नहीं है पुलिस वाले मुझे पकड़ सकते, मेरी हायाबुसा बहुत ही ज्यादा फास्ट है, ये मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। मैं एक ही सेकंड में कहीं पर भी कट मार लूंगा और ये मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और आप देख सकते हो हमारी गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस हमारे पास $1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर गाइस बस हमें यार पुलिस से एस्केप करवानी है, उसके बाद हम अपनी $1 मिलियन वाली बाइक आराम से खरीद पाएंगे। पर उससे पहले पुलिस से एस्केप करवा पाएंगे कि नहीं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। वैसे तो हमने एक ही बैंक लूटा है, पर हमने पूरी की पूरी तीन तीन बैंक लूटे हैं, मतलब एक लूट के भी तीन तीन बैंक लूट लिए, इसलिए हमारा बहुत ही ज्यादा पैसा आ चुका है। तो गाइस फटाफट से भगाते हैं फुल स्पीड में अपनी बाइक को ताकि हम एस्केप करवा पाए इन सारे पुलिस वालों से। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, मुझके 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 मुझे लगा था अभी मैं मर जाऊंगा, पर गाइस हम यहाँ पे बच चुके हैं। पुलिस स्टेशन भगाते भगाते हम ऑफ रोडिंग कराएंगे अपनी हायाबुसा को, बस ये पुलिस वाले हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कहा फेंक दिया मुझे, बचाओ, कहा जा रहा हूँ मैं। तो गाइस इन पुलिस वालों को लग रहा है मैं इनसे डर रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मेरा डर। ये देखो क्या स्टंट कर रहा हूँ मैं, मुझे बचाओ। और अभी भिड़ जाता तू गाइस, ये तो बहुत ही खतरनाक है, मैं इनके सामने स्टंट कर रहा हूँ और ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहे। आ जाओ पुलिस वालों, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस फटाफट से पुलिस से एस्केप करवाते हैं, फिर हम जाएंगे अपनी खतरनाक सी $1 मिलियन वाली बाइक खरीदने। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे प्यारे प्यारे अंकल के पास, जो कि भाग के आए जेल से, और ये हिरन का बच्चा भी अपने साथ लाए और इनको हम देने वाले हैं $1 मिलियन। मेरी डार्लिंग तुमको इतनी सारी गोलियां किसने मारी? वो थोड़े पुलिस वालों ने गोलियां मार दी। क्या पुलिस वालों ने? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है डार्लिंग।
डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें इलाज कर देता हूँ। अरे नैनी, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हारे पैसे और मुझे वो बाइक दे दो। तो गाइजर, अभी वो टाइम आ चुका है $1 million वाली बाइक चलाने का, जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट बाइक। चलो बराबर से इसको चला के देखते हैं। तो गाइजर, अभी आप देख सकते हो, तो अभी हम इस बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं और आप देख सकते हो, तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे गाइजर, ये है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाइक और ये सही में बहुत ही खतरनाक है। इस बाइक में स्पीड है 4-4 बाइक्स की, और वो भी बहुत ही खतरनाक सुपर बाइक्स की। आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है हवा को चीरते हुए मैं जा रहा हूँ इन खतरनाक बाइक्स से। और ये खतरनाक सा जंप भी हमने यहाँ पर मार लिया है और मैं किसी के घर के ऊपर आ गया। पर कोई बात नहीं गाइस, ये सही में बहुत ही खतरनाक है। अब देखते हैं जो अंकल ने बोला था, क्या ये सच है, क्या ये बाइक उड़ सकती है? और ये जरूर उड़ सकती है भाई, क्या ये फ्लाइंग कर रही है, मजा आ रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस, हमारी बाइक उड़ तो सकती है पर क्या ये पानी के ऊपर चल सकती है, आओ पता करते हैं। तो गाइस, अब ये टेस्ट होने वाला है, रियल टेस्ट इस बाइक का, क्या ये पानी के ऊपर चल सकती है? जी हाँ, ये पानी के ऊपर भी चल सकती है। तो गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं ये बाइक या फिर ये सारी बाइक्स, क्योंकि इसमें 4-4 बाइक्स इंक्लूडेड है जो कि पानी के ऊपर चल रही है, चारों के चारों पानी के ऊपर चल रही है और इसकी स्पीड बहुत ही तेज है। आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर को हमने पीछे छोड़ दिया और ये बाइक बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट है। तो गाइस, फटाफट से कमेंट करके बता दो ये वाली बाइक आपको कैसी लगी। मुझे तो सारी की सारी बाइक्स में से ये बाइक सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे पेट्रोल भरवाना हो तो एक में भरवाऊं कि चारों में भरवाऊं, फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो गाइस, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने अपनी $1 million की बाइक खरीद ली है, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? वो सबसे पहला हमारा जो डियर था वो, या फिर $100 वाली बाइक, या फिर 1000, 10000, 1 lakh, या फिर 1 million? फटाफट से कमेंट करके बता देना। और गाइस, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।